सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सामने दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, दोस्तों मानसून आ चुका है और ऐसे में मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ, वो है हेयर फॉल की। दोस्तों मानसून में, रेनी सीजन में हमारे बाल 10 गुना तेज़ी से टूटते हैं, तो अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम की समस्या को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ और उसके लिए आपको चाहिए मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आप चाहें तो मार्केट में जो सरसों का तेल है वो भी ले सकते हैं, मेरे पास घर का बना हुआ सरसों का तेल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दो चम्मच, बड़ी चम्मच सरसों का तेल अपने पैन में इस तरीके से डाल दूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो और गैस की फ्लेम को तेज कर दूँगी। यस दोस्तों, हमें यहाँ पर अपना जो तेल है इसको गर्म करना है और अब मैंने यहाँ पर मिक्स करने वाली हूँ मैं ये मेथी दाना है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पानी में सोक वगैरह कुछ नहीं किया है, ये ड्राई है और अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑयल अपने लिए थोड़ा ज़्यादा बनाया है इसीलिए मैंने इतना सारा मेथी दाना मिक्स किया है और ये देखिए ये मैं पीस चुकी हूँ इस मेथी दाने को और इस तरीके से ये पूरा मिक्सी में अच्छे से पीस जाता है और ये बारीक बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। और आपको ये याद होगा कि मेरा जो ऑयल गरम हो रहा था इसमें ये मैं पूरा मेथी का पाउडर इसमें यहाँ पर इस तरीके से डाल दूँगी। और दोस्तों आपको कम से कम 5 मिनट तक इस मेथी दाने और ऑयल को अच्छे से पकाना है जिससे कि जितनी भी मेथी दाने की क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी ऑयल में आ जाए। दोस्तों मेथी दाना एंटी बैक्टीरियल होता है, ये दोस्तों आपके मानसून में होने वाले जितने भी इन्फेक्शन होते हैं आपके रूट में, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा होगा या डैंड्रफ हो रही होगी ये तो ये आपके बालों में से बिल्कुल डैंड्रफ और इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को दूर रखेगा। इसके अलावा दोस्तों मेथी दाना आप जानते ही हैं कि हेयर ग्रोथ में प्रमोट करता है और बहुत तेज़ी से आपके बालों को बढ़ाता है और जो मानसून में हमारे रूट बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, इसका उसमें भी आपके रूट को और आपकी जड़ों को बहुत मजबूती देता है, ये ऑयल आपकी बालों में बहुत मजबूती देने वाला है। दोस्तों इसमें हम एक चीज़ और मिलाएंगे वो है कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स, इसको हम काली तिल भी बोलते हैं। थोड़ा सा हम काला तिल लेकर ये हम अपने ऑयल में इस तरीके से जो उबल रहा होगा वो आप डाल सकते हैं एंड में, क्योंकि दोस्तों ब्लैक तिल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं तो ये जो ब्लैक तिल प्री मैच्योर ग्रे हेयर से बचाएगा ये आपके बालों को और आपके बालों और आपके रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देगा और आपके बालों को झड़ना बिल्कुल कम करा देगा। और दोस्तों 5 से 10 मिनट पकने के बाद आप इसको छन्नी से एक साफ़ कटोरी में छान लीजिए इस पूरे ऑयल को और कुछ इस तरीके से मेथी दाने का रंग उतर करके आएगा, तभी आपको अपना गैस का फ्लेम बंद करना है जब आपको मेथी दाना कुछ इस तरीके से रेड रेड दिखे। दोस्तों आपको ये वीक में कम से कम 3 बार इस हेयर ऑयल को अपने बालों में लगाना है और आप देखोगे कि इस मानसून आपके बाल झड़ेंगे नहीं बल्कि उगेंगे, आपके बालों की जड़ें बहुत मजबूत बनेगी। अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप इस हेयर ऑयल को एक बार लगाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।